जिन्होंने नहीं किया जिन्होंने किया उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद शुक्रिया। हमारे 28,000 सब्सक्राइबर फाइनली जल्दी से होने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा एडवांस में शुक्रिया। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं भाई हम जो रीमेक सॉन्ग्स है ना जो बॉलीवुड मतलब अक्सर करता है कि ओल्ड सॉन्ग्स को फिर से न्यू सॉन्ग बना के रीमेक करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो कहीं तक देखें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो चलिए। लंबा लंबा चूल माथा बंधे जाए तो बस बहाने।
नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले सारे अंक दे तू लागनी री अंक दी ते पुछने तो डरदा मतलू प्यार तेनु करदा कोई रोके तो हर रोक के दिखाए किसी से नहीं डरदा गबरू प्यार वाला करदा लक बदला बलोरी ओदे नैन नैन कन्ने चुमके उलारे ओदे लैन लैन गल्ला करदी लक बदला बलोरी ओदे नैन नैन कन्ने चुमके कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 नैन ने शराब दिया दो बोतलां एना बोतलां च सिप सिप पी नैन ने शराब दिया दो बोतलां एना बोतलां च सिप सिप पी दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान ओ लगदी पंजाब ओ लगदी लाहौर दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिसे सब दस दिया कुड़ी दा पता करो मुंडिया नु सूली उते टंगी रखदा मेरा नशा कुछ तलवार करेगा बागी मूवी की स्क्रीन रखी यहाँ पर तो बाकी सारे बागी कब से मैं रहा बेगुना सहता बेजुबा कब से मैं रहा बेगुना सहता ये दूरियां तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए ये तो तो ये तेरी बेवफाई मार डालेगी लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी मैनू साफ साफ दस दे इता तेरी मेरी बस दे ये व्यानी करो मैनू साफ साफ दस दे इता तेरी मेरी बस दे ये व्यानी करो सारे की सारी मेरी है तू तुझको कभी सारी की सारी मेरी है तू तुझको कभी लाया मेरा परदेश मेरी आया मेरा परदेसी आस मुझीन अखियन मेरी चाल में दाई चीर वाले वेख मेरा नाम गवाच मेरे हाथ में खनकता जाए रे ए मसक कली उड़ मटक कली ए मसक
इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना। तुमने बंद राखी ने में जारे, तमने जोया छे नयन ने। तुमने बंद राखी ने में जारे, तुमने जोया छे नयन ने। बंद राखी ने में जारे, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं। कबल नहीं और कोई हल नहीं, सयोनी चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, सयोनी बम 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 बोले ये बड़ा ही फेमस है। बम 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 बोले सावन में लग गए सावन में लग गई आग दिल मेरा। पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन, जरा पास आओ तो पास बन जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी ओ दिल। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी एक दो पाकिस्तानी भी सॉन्ग हम देखे तो बहुत ज्यादा सॉन्ग ऐसे होते हैं जो कि अभी इंडिया वालों ने कॉपी किया, और इंडिया वालों के भी बहुत ज्यादा सॉन्ग पाकिस्तानी भी कॉपी। ऐसा चलता ही रहता है दोनों तरफ से, दोनों की परमिशन मुझे लगता है लेके तो फिर आएगी। लेकिन ये पसूरी जो सॉन्ग इन्होंने कॉपी किया ना, इतना बुरा लगा है ना मुझे सच्ची में। अरिजीत सिंह की आवाज में है वो वाला जो, अरिजीत सिंह की आवाज में कोई शक नहीं है हमें, लेकिन यार वो जो एक ओरिजिनल सॉन्ग होता है ना, उन्होंने तो क्या ही वो सॉन्ग बनाया हुआ है। इतने मिलियंस व्यूज हैं, मुझे तो लगता है एक बिलियन शायद होने वाले हैं इस पे व्यू, तो इतना कमाल। आपने कभी सुना होगा ना तो ओरिजिनल सॉन्ग जाके सुनना, तो या फिर रीमेक और ओरिजिनल दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आता है। और वो वाला हिंदी वर्जन में जरा इन्होंने किया ना तो फिर और जरा, क्योंकि आप ये वाला पंजाबी में है तो मतलब जो हमने ये अभी हमने कितने ज्यादा ओरिजिनल और रीमेक सुने हुए हैं हमें, मतलब ज्यादातर हमने जो रीमेक किए होते हैं ना हमने वो सुने थे, क्योंकि हम उस टाइम पे नहीं थे तो हमें नहीं था पता कि यार ये वाले सॉन्ग है। लेकिन 50 से इतने जमाने के सॉन्ग इन्होंने कॉपी किए हुए हैं तो फिर बाद में हमें पता चलता कि यार ये तो इन्होंने वो सॉन्ग कॉपी, अगर कोई फेमस सॉन्ग हो तो वो हमने सुना होता है तो यार हाँ ये वाला वो सॉन्ग था। लेकिन जो इन्होंने नहीं पता होते तो बिल्कुल उनका नहीं पता चलता, वैसे ही उनका म्यूजिक बदल देते हैं। ये पता क्या करते हैं तब के, अभी आप पिछले दौर
मजाक देख लेंगे ना 1950 में, आपको बहुत ज्यादा हो आहिस्ता आहिस्ता वाला म्यूजिक नजर आएगा, थोड़ा सा आगे जाते हो ना थोड़ा तेज हो जाएगा, फिर उसे अभी तो बेस इतनी यूज करते हैं क्योंकि आवाम को पसंद ही वही चीज़ आती है। अभी आपको पता है दुनिया भी कैसे फास्ट हो गया है, फास्ट वाले पहले सॉन्ग होते थे 5 से 6-7 मिनट का सॉन्ग होता था, अभी 2 से 3 मिनट का सॉन्ग होता है, इतना ज्यादा छोटा, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है सुनने का और ये बनाते भी नहीं, इनका इतना दिमाग भी नहीं है कि लंबी लंबी लिरिक्स ये लिख पाए। तब के टाइम पे क्या ही सॉन्ग होते थे, हमारे जो मतलब माँ बाप है वो हमें बताते हैं कि ये सॉन्ग इतने ज्यादा कमाल के हैं, वो अभी भी वही पुराने सॉन्ग निकाल के सुनते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि इन जैसे सॉन्ग अभी नहीं आते। वाकई में ये बात सही है कि अभी वो ऐसे सॉन्ग आते ही नहीं है। हम पंजाबी सॉन्ग पसंद करते हैं यार, पंजाबी सॉन्ग जिसमें जरा थोड़ी बेस तेज होनी चाहिए, वर्डिंग वैसे होनी चाहिए कि मजा आए सुन के, लेकिन तब के टाइम पे लोगों की अलग ही पसंद होती थी, लेकिन ओरिजिनल और रीमेक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है आप जब देखते हो। और कई वैसे रीमेक अच्छे भी होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, कई बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कई होते हैं जिनकी जड़ ही खत्म हो जाती है, जैसे पसूड़ी सॉन्ग का मैंने बोला, इस तरह से और भी बहुत ज्यादा सॉन्ग थे जिनकी ये बिल्कुल तबाह बर्बाद उसको करके रख देते हैं। ज्यादातर ये टी सीरीज जो है ना वही रीमेक बनाता रहता है। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, उम्मीद करते आपको मजा आया होगा, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो बता सकते हैं, फिर मिलते हैं।